तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको कार्लसन रोलन का कार्ड देखने को मिल जाएगा और इस पे इनकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी उसके बाद एक और बॉक्स देखने को मिल जाएगा स्मार्ट वॉच का और नीचे कुछ भी नहीं है तो फाइनली ये जो बॉक्स है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी कार्लसन रोलन टू स्मार्ट वॉच तो यहाँ से ये इस तरीके से ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पे ये रही स्मार्ट वॉच तो ये फुल्ली एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच होने वाली है जिसको हम आगे टेस्ट करेंगे उसके पहले अगर बात की जाए कुछ और बॉक्स कंटेंट्स की तो इस स्मार्ट वॉच की यूज़र मैनुअल आपको देखने को मिल जाएगी काफ़ी छोटी सी चार पांच पेजेस की कुछ यूजर मैनुअल है और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा इस मैग्नेटिक टू पिन चार्जर तो मैग्नेटिक टू पिन चार्जर का सपोर्ट है इस स्मार्ट वॉच के साथ और इसे आप कोई भी नॉर्मल फोन के चार्जर से कनेक्ट कर सकते हो अगर बात करें इस स्मार्ट वॉच की बेल्ट क्वालिटी की तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है नीचे के साइड में एक बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक और कैमरा देखने को मिल जाएगा तो ये प्राइमरी कैमरा होने वाला है और ये सेल्फी कैमरा होने वाला है और यहाँ पे आपको टॉर्च का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा या फिर कैमरा के लिए फ्लैश बोल लो और यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाएगा वॉच को ऑन ऑफ करने के लिए और इस साइड में यहाँ पे माइक्रोफोन का सपोर्ट है और साइड में स्पीकर का भी सपोर्ट है और यहाँ पे आपको दो दो रियल सेंसर्स हैं। जी हाँ दोस्तों ये एकदम और, और, तो दो दो और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए स्लॉट देखने को मिल जाएगा और इस सेक्शन के अंदर आप सिम डाल सकते हो ओवरऑल अगर बात करू बिल्ड क्वालिटी की तो बहुत ही डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है मेटल बिल्ट है साइड्स में और यहाँ पीछे

लिंक तो मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में बट अभी ये अल है तो दो से तीन महीने के बाद ये जो स्मार्ट वॉच है वो अवेलेबल हो जाएगी पर एक चीज का ध्यान रखना लिमिटेड एडिशन वॉच है तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस कर देना तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना फोन से पेयर किए तो इसके अंदर आपको वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एयरप्लेन मोड है और उसी के साथ जीपीएस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो ओवरऑल ये बड़ी ही कमाल की स्मार्ट वॉच होने वाली है और अगर बात करूं वॉच फेसिस की तो इसके साथ बिल्टन आपको सेवन टू एट वॉच फेसिस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और अगर चाहो तो कस्टम वॉच फेसिस भी लगा सकते हो अगर बात की जाए डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में हल्के हल्के चारों तरफ बेजल्स है बट ओवरऑल अगर बात की जाए डिस्प्ले की तो अच्छी खासी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है जिसके अंदर आप एप्लीकेशन वगैरह आराम से एंजॉय कर सकते हो ब्राइटनेस की बात की जाए तो अच्छी खासी ब्राइटनेस है इस स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले की तो डायरेक्ट सनलाइट में यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद स्टोर तो तो आराम से आप यूज कर सकते हो अभी मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है तो उससे चल गया ये प्ले स्टोर और इससे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करके बताता हूं तो डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है जस्ट आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप सारे के सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको वन जी बी रैम और सिक्सटीन जी बी रोम मिल जाएगी तो सिक्सटीन जी बी के अंदर आप बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ डाउनलोड करके रख सकते हो और क्योंकि वन जी बी रैम है तो इसके अंदर लैगिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से एंड्रॉयड एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे तो एक बार आपको यूट्यूब भी चला के बता देता हूँ तो YouTube जो है मैंने कल ही इंस्टॉल किया था और ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है YouTube का स्मार्ट वॉच के अंदर YouTube के वीडियो देखने का कुछ अलग ही मजा आता है और यहाँ पे अगर बात की जाए टच रिस्पॉन्स की तो टच रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है तो टच रिस्पॉन्स के मामले में अच्छी है तो आपको इसके स्मार्ट फीचर्स को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे कि यहाँ पर ये वाला वीडियो मैं प्ले करके बताता हूँ स्किप कर देता है एड उसके बाद यहाँ पे अगर पेड़ु चाहो तो लाइक कर सकते हो मेरे वीडियो को वर्क नहीं करता है। है यहाँ पे आपको ही वो इस तरीके से आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो और अगर आपको इसके स्पीकर की क्वालिटी का अंदाज लगाना हो तो मेरे पास एक सॉन्ग है अभी आपको सुनाता हूँ तो अभी अभी आपने सुनी इसकी स्पीकर की वॉल्यूम और स्पीकर की वॉल्यूम अच्छी खासी है तो आप इसके अंदर म्यूजिक वगैरह एंजॉय कर सकते हो तो अगर बात चल रही है म्यूजिक की तो जी हाँ आपको इसके अंदर स्पॉटिफाई भी अगर आप चाहो तो इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो और स्पॉटिफाई के अंदर भी म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो तो ओवरऑल ये कंप्लीट एंड्रॉयड पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सारे के सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कैमरा का तो कैमरा इसके अंदर आपको दो देखने को मिल जाएंगे एक है यहाँ पे सेल्फी कैमरा और एक होने वाला है प्राइमरी कैमरा तो जब हम इस स्मार्ट वॉच को इस तरीके से पहनते हैं तो प्राइमरी कैमरा से आराम से पॉइंट करके हम फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं तो जैसे कि ये वाला जो कैमरा है ये एक्टिवेट हो चुका है अभी प्राइमरी कैमरा तो यहां से आपको फोटो क्लिक करके बताता हूँ तो इस तरीके से आप फोटोज क्लिक कर सकते हो और अगर आप चाहो तो वीडियो भी बना सकते हो तो वीडियो बनाने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है इस स्मार्ट वॉच के अंदर तो इस तरीके से आप वीडियोस भी बना सकते हो तो यहाँ पे अभी फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो अच्छी खासी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी फ्रंट कैमरा की तो उसके बाद यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा तो अगर आप चाहो तो फेस अनलॉक भी सेट कर सकते हो और इसके अंदर पैटर्न भी लगा सकते हैं तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न लगा के आपको बता देता हूँ तो जब भी मेरे को इस स्मार्ट वॉच को यूज़ करना होगा तो या तो मेरे को ये पैटर्न लगाना होगा और अगर मैं चाहूँ तो फेस अनलॉक से भी इसे अनलॉक कर सकता हूँ तो फेस अनलॉक से भी ये स्मार्ट वॉच अनलॉक हो जाएगी और अगर चाहूँ तो पैटर्न से भी ऑन हो जाती है उसके बाद आपको फोन और कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो अगर आप चाहो तो जियो एयरटेल वोडाफोन कोई भी सिम इंसर्ट कर सकते हो इस स्मार्ट वॉच के अंदर और 4G का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस स्मार्ट वॉच के अंदर तो फिर यहाँ पे आपको फोन और कॉन्टैक्ट्स के अंदर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी अगर फोन पे बात कर दी है तो डायरेक्टली बात कर सकते हो और स्पीकर और माइक्रोफोन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी स्पीकर की क्वालिटी अभी अभी टेस्ट करा दी थी तो चलिए एक बार माइक्रोफोन की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं यहां पे साउंड रिकॉर्डर का ऑप्शन है तो इसे ऑन करके मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूं सब्सक्राइब टू टेक्निकल पी चैनल तो यहां पे मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है तो यहां पे हम माइक्रोफोन का आउटपुट सुनेंगे सब्सक्राइब तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी खासी है तो फिर कॉल्स वगैरह पे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और गेम्स अगर आप चाहो तो खेल सकते हो इस स्मार्ट वॉच के अंदर इसके अंदर मैंने मिनट तक खेल के देखा और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके बाद अगर आप चाहो तो दूसरे गेम भी यहाँ पे डाउनलोड करके खेल सकते हो इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे गेम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि अपन को फोन में देखने को मिल जाते हैं अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर एक गेमिंग वीडियो बनाऊं और गेम्स टेस्ट करूँ इस स्मार्ट वॉच पे तो कमेंट करके जरूर बताना पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे गेम्स खेल के बता दूंगा इस स्मार्ट वॉच के अंदर तो कमेंट करना अगर आपको वो डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो तो इसके साथ अगर आप चाहो तो इसके अंदर सोशल मीडिया एप्लीकेशन्स भी चला सकते हो जैसे कि इंस्टाग्राम में आपको चला के बताता हूँ तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप सारे ही फीचर्स यूज़ कर सकते हो जो कि आपको फ़ोन में देखने को मिलता है अगर आप चाहो तो यहाँ से किसी को डायरेक्ट डी कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो सर्च पे जाके कुछ भी सर्च कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो रील्स देख सकते हो तो बहुत सारी रील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम के ऊपर तो इंस्टाग्राम भी आप इजीली यूज कर सकते हो इस स्मार्ट वॉच के अंदर उसके बाद आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर GPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो GPS के ऑप्शन की मदद से आप इस स्मार्ट वॉच के अंदर गूगल मैप्स को भी यूज कर सकते हो तो गूगल मैप्स जो है वो मैंने डाउनलोड कर रखा है तो आपको ओपन करके बताता हूं तो क्योंकि इस स्मार्ट वॉच के अंदर जी है तो गूगल मैप्स के ऊपर आप आराम से लोकेशन वगैरह सर्च कर सकते हो और पर्टिकुलरली स्मार्ट वॉच के अंदर गूगल मैप्स वाला ऑप्शन मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा क्योंकि हर जगह हम फोन को चेक नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप आराम से प्लेसेस फ़ाइंड कर सकते हो और यहाँ से वॉच से अगर आप डायरेक्शंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा कभी स्कूटी वगैरह चला रहे हो तो भी डायरेक्शन देखने में ईजी रहता है तो चलिए एक बार इस स्मार्ट वॉच के रेट सेंसर को ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है 65, 67 के आसपास और ऑक्सीमीटर में भी है 67 तो काफी हद तक एक्यूरेट हार्ट रेट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा इस स्मार्ट वॉच के अंदर क्योंकि इस स्मार्ट वॉच के अंदर हार्ट रेट सेंसर और टेम्परेचर सेंसर दोनों दिए हुए हैं तो दोनों के ही रिजल्ट बहुत एक्यूरेट है उसके बाद अगर बात की जाए कुछ और एप्लीकेशन की तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मैसेजिंग का तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर ये सबसे अच्छी बात लगती है कि आप किसी को भी कुछ भी मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हो बाकी स्मार्ट के अंदर आपको मैसेजेस सेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलता बट ये ऑप्शन अवेलेबल है एट हंड्रेड स्टेप करना स्टार्ट कर रहा हूं तो चलिए चेक करते हैं इसकी accuracy. तो मैंने ऐसा सोचा है कि फिक्स हंड्रेड स्टेप्स चलूंगा और उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है तो अभी 100 हंड्रेड स्टेप्स कम्प्लीट हो चुके हैं तो चलिए वॉच के अंदर चेक करते हैं तो वॉच के अंदर शो कर रहा है 902 मतलब काफी हद तक एक्यूरेट है इसका पेडोमीटर उसके बाद एक गैलरी तो गैलरी में आपको सारे आपके क्लिक किए हुए इमेजेस देखने को मिल जाएंगे और अगर आप चाहो तो कोई भी इमेज गैलरी से वॉलपेपर की तरह लगा सकते हो उसके बाद है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आपको चला के बता दिया गूगल मैप्स बता दिया फेस अनलॉक बता दिया कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस स्मार्ट वॉच के अंदर उसके बाद है म्यूज़िक म्यूज़िक के अंदर आप अपना म्यूज़िक रख सकते हो क्योंकि सिक्सटीन जी स्टोरेज है तो यहाँ पर आप कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन भी सुन सकते हो और उसके बाद है फाइल एक्सप्लोर उसके बाद है ब्राउज़र तो ब्राउज़र के अंदर बेसिकली गूगल ऑन हो जाता है तो गूगल से आपको कुछ भी काम हो तो आप कर सकते हो इस स्मार्ट वॉच से उसके बाद है प्ले स्टोर क्यू आर कोड सर्च का ऑप्शन है तो यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो कैलेंडर साउंड रिकॉर्डर स्पॉटिफाई बाकी ये सारे एप्लीकेशन तो मैंने डाउनलोड किए हुए है, तो ये सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे और अगर आप चाहो तो प्ले स्टोर से नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो 16 तक की स्टोरेज है, तो आराम से आप राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो कुछ लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने पर एप्लीकेशन आ जाते हैं इस बटन से बैक होता है उसके बाद अगर ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रैम क्लीन हो जाएगी तो रैम क्लीन करने के लिए ये ऑप्शन है उसके बाद अगर नीचे की तरफ स्वाइप करना है तो दो ऑप्शन है अगर राइट right की तरफ से हम नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो पहले आपको बैटरी देखने को मिलेगी और उसके बाद वापस से स्वाइप करने पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से options देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर आपको टॉर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो इसे ऑन करके ये जो लाइट है ये ऑन हो जाती है तो ये भी काफी हद तक यूजफुल फीचर हो सकता है और ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो डिस्प्ले की ब्राइटनेस को उसके बाद अगर इसमें लेफ्ट की तरफ से नीचे स्वाइप करेंगे

टू फोर आवर्स का स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाएगा अगर आपका नॉर्मल है तो एक से दो दिन ये आराम से चल जाएगी और लास्ट में अगर बात की जाए प्राइस की तो ये इंडिया की पहली ऐसी एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच होने वाली है जो कि टेन थाउजेंड के अंदर देखने को मिल जाएगी प्राइस का तो नहीं पता पर इसकी प्राइस सेवन से एट के बीच में

पड़ेगा उसके बाद ये Amazon पे अवेलेबल हो जाएगी लिंक अभी से आपको देके के रखता हूं तो अगर आप चाहो तो नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मिलता हूँ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय